वेल, अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि हम सुपर हीरोज के बीच में होते तो क्या होता, इसका जवाब अमेज़न प्राइम की द बॉयज सीरीज दे चुकी है। और आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, यकीन मानिए आप खुद को लकी मानने लगेंगे। हमें इस सीरीज ने सुपर हीरोज की सिर्फ कड़वी सच्चाई ही नहीं बताई, बल्कि सुपर हीरोज को देखने का एक नया नजरिया दिया है जो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है। और इस चीज को करने के लिए वो ज्यादा दूर नहीं गए, हमारे पास के ही मार्वल और डीसी से ही उन्होंने अपने सुपर हीरोज को मॉडल किया है और हमें इस तरह से दिखाया है कि हमें अपने फेवरेट सुपर हीरोज पर ही शक होने लगा है। तो किस किस कॉमिक बुक कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं ये कैरेक्टर्स और क्या उनके एथिकल नॉर्म से इन सुपर हीरोज को कंपेयर किया जा सकता है, चलिए आज के स्टूडियो में यही देखते हैं और कर लेते हैं टॉप 10 द बॉयज सुपर हीरोज वर्सेज देयर मार्वल डीसी काउंटर पार्ट्स। पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर असद खान, अनस खान और पृथ्वीराज चौहान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें द बॉयज सीरीज पर वीडियो बनाने को सजेस्ट किया। ऑब्वियसली वीडियो में बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। Hey guys, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। Now without wasting any more time, let's get started. Number 10 is Ezekiel. दूसरों के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और। ये स्ट्रेची पावर्स पोजेस करने वाला बेसिकली एक ढोंगी है जो मार्वल के मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स और डीसी के प्लास्टिक मैन पर बेस्ड है। अगर बात करें कंपैरिजन की तो इसकी पावर्स इन कैरेक्टर से सिमिलर हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए इंटेंशन और मोटिव्स की तो एटलीस्ट ये मार्वल के रीड रिचर्ड्स के सामने तो कहीं भी नहीं टिकता, जो बेसिकली मार्वल के अंदर सिर्फ अपने स्ट्रेची पावर्स के बजाय अपनी गजब की इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं और वो इसका इस्तेमाल अपने हीरोइज्म और ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए करते हैं। यही चीज है जो उन्हें मार्वल के सबसे इम्पोर्टेंट और कोर मेंबर्स में से एक बनाता है। नंबर 9, दी मेजमराइजर। सीरीज के अंदर दिखा एक चाइल्ड स्टार जो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। अब अगर इसे कंपेयर किया जाए तो इसे बहुत हद तक कंपेयर किया जा सकता है मार्वल के प्रोफेसर एक्स और डीसी के मार्शियन मैन हंटर से। अब मैंने बहुत हद तक इसलिए कहा क्योंकि इसकी पावर्स इनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, जहां पर प्रोफेसर एक्स माइंड रीडिंग और टेलीपैथी ही नहीं बल्कि लोगों को साइकिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं, वहीं पर इसे माइंड रीडिंग या मेंटल इन्फ्लुएंस के लिए लोगों के थोड़ा करीब होना पड़ता है और ये इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। यही कारण है कि बिली बुचर ने इसके धोखा देने पर इसे मार मार के चपटा कर दिया। फिर भी इसकी पावर्स एक हद तक काम की तो थी ही। नंबर 8, किमिको। बिली बुचर के गैंग की ऑफिशियल सुपर मेंबर, जिसकी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट के साथ साथ इसकी रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी मुझे लोगन की X23 की याद दिलाती हैं। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है क्लॉज की। यहाँ तक कि किमिको वुल्वरीन और X23 की तरह नियर डेथ और इंजरीज से रिकवर हो सकती है क्योंकि इसके पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। कुल मिलाकर इसकी बिहेवियर और आइडियोलॉजी लोगन मूवी के X23 से बहुत सिमिलर है और होपफुली सीजन 2 में हमें किमिको का और भी एक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 7, स्टारलाइट। इस सीरीज में अगर किसी को एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का सबसे बड़ा झटका लगा तो वो थी स्टारलाइट। वैसे तो स्टारलाइट के पास फिजिकल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर इन सब के ऊपर वो अपने आसपास की लाइट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और उन्हें एब्जॉर्ब करके फोटोनिक ब्लास्ट छोड़ सकती है, जो कुछ कुछ मार्वल के डैजलर और डीसी के किमियोकोशी वर्जन डॉक्टर लाइट से मिलता है। जहां मार्वल के अंदर डैजलर को साउंड की भी जरूरत पड़ती है लाइट को क्रिएट करने या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, स्टारलाइट की सीजन 1 में यही कमजोरी थी कि वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थी, लेकिन अंत में हमने उसे पावरफुल बनते हुए भी देखा और मुझे उम्मीद है कि हम उसे सीजन 2 में और पावरफुल बनते हुए देखेंगे। नंबर 6, द डीप। भले ही आपको इसके पावर्स मार्वल के नेमो द सबमरीनर और डीसी के एक्वामैन की तरह लगती हो, पर सही मायनों में ये एक नंबर का छिछोरा और डरपोक सुपर हीरो है। भले ही ये खुद को लॉर्ड ऑफ द सेवन सीज ही क्यों ना कहे, क्योंकि इसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये होमलैंडर के प्लेन क्रैश को सबके सामने ला पाए और सीरीज में इसके किए की वजह से इसे बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। सरप्राइजिंगली इसका कैरेक्टर कॉमिक बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो उतना भी हीरोइक नहीं है, पर फिर भी कॉमिक बुक में उससे किसी और को या किसी और को उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, जिसने ओरिजिनली स्टारलाइट के साथ कोई भी बदतमीजी कॉमिक्स में नहीं की थी और वो द सेवन के एक नेग्लेक्टेड मेंबर की तरह है। जो एक्वाटिक लाइफ के लिए जगह हमने उसके दिल में सीजन 1 के लिए देखी, शायद ये चीज हमें इस बात को समझाती है कि वो इतना भी बुरा नहीं होगा। अब देखते हैं सीजन 2 में इसका क्या होता है। नंबर 5, ट्रांसलूसेंट। सोचिए कि आप एक ऐसे सुपर हीरो हैं जिसके स्किन इनपेनेट्रेबल है और वो गायब हो सकता है। वेल, आप अपने दुश्मनों की बड़े ही आराम से जासूसी कर सकते हैं और बिना उन्हें पता लगे उन पर वार करके जीत हासिल कर सकते हैं।
या बाथरूम में घंटों गायब रहकर आप दूसरों को ताड़ सकते हैं। सच में ये द सेवन छिछोरों का गैंग है। इसकी पावर्स मार्वल के ही दो सुपर हीरो से मिलती जुलती हैं। एक है सू रिचर्ड्स, एक इनविजिबल वुमेन जो गायब हो सकती है, और दूसरी है एमा फ्रॉस्ट जो कि साइकिक है और डायमंड में बदल सकती है। हाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसने लंबे समय तक द बॉयज को छकाया, पर भाई ने एक स्पॉट खाली छोड़ दिया था जो उसके मौत का कारण बना। वैसे भी जिंदा रहकर करता भी क्या, लोगों को बाथरूम में निहारता। नंबर 4, क्वीन मेव। यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्वीन मेव बेसिकली वंडर वुमन की ही रिप ऑफ है, जो लगभग होमलैंडर जितनी ही पावरफुल है, और वो भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और स्ट्रेंथ से भरी हुई है। पर सही मायनों में वो जितना बाहर से ताकतवर है उतना ही अंदर से खोखली है, जो बताता है कि शायद उसे भी कभी सुपर हीरो की आइडियोलॉजी पर बिलीव होगा, पर द सेवन की मेंबर होने के बाद वो द वॉट इंडस्ट्रीज की एक पपेट बनकर रह चुकी है, और कैरी ऑन करने के अलावा उसके पास भी कोई और चारा नहीं बचता। सैडली यही चीज है जो उसे डीसी के वंडर वुमन के सामने कहीं भी नहीं टिकाती, क्योंकि भाई वंडर वुमन ऐसे ही नहीं होली ट्रिनिटी का हिस्सा है। नंबर 3, ब्लैक नोआर। भले ही हमने इस सीजन में इसे उतने एक्शन में नहीं देखा, पर फिर भी हमें मालूम है कि इसके पास जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स हैं, जिसके दम पर ही ये द सेवन के नंबर 3 पोजीशन पर है। ये मार्वल के ब्लैक पैंथर और डीसी के बैटमैन का कॉम्बिनेशन जैसा लगता है, पर फिर भी इसके अंदर दोनों का सेंस ऑफ जस्टिस लैक करता है। सही मायनों में इसकी ताकत के बारे में इस सीरीज में अब भी कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि कॉमिक बुक में स्पॉइलर अलर्ट, ये होमलैंडर का क्लोन है, जो होमलैंडर के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उसे मारने के लिए बनाया गया था, और ये ब्लैक नोआर बन के द सेवन में छुपा होता है। तो देखते हैं इस कैरेक्टर के बारे में सीजन 2 में क्या सामने आता है। नंबर 2, ए ट्रेन। तो भैया यही है वो जिनके वजह से सब कुछ शुरू हुआ। ये बेसिकली एक स्पीडस्टर है जो मार्वल के क्विक सिल्वर और डीसी के फ्लैश पर बेस किया गया है, और इसी सीरीज के अंदर एक बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जो खुद को सबके नजर में बनाए रखने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार होता है, और किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है, लाइक लिटरली। बात करें अगर उसकी स्ट्रेंथ की, तो हो सकता है कि उसकी पावर क्विक सिल्वर के बराबर हो, पर उसकी पावर कहीं भी फ्लैश के सामने नहीं टिकती, क्योंकि फ्लैश लाइट से भी कई गुना तेज दौड़ सकता है, और यही क्यों फ्लैश ए ट्रेन की तरह गैर जिम्मेदार नहीं है, जो किसी को भी रास्ते में चलते हुए भी ना दिख पाए। यही कारण है कि फ्लैश पॉइंट स्टोरी में फ्लैश के पास पूरे के पूरे टाइमलाइन को सेव करने की जिम्मेदारी थी। नंबर 1, होमलैंडर। इस सीरीज का सबसे बड़ा सुपर हीरो, पर असलियत में सबसे बड़ा सुपर विलन, जिसमें होमलैंडर की पर्सनैलिटी को सुपरमैन की पावर्स और कैप्टन अमेरिका की आइडियोलॉजी के साथ दिखाया जाता है, जो इसे सबका फेवरेट बना देता है। पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है, और जब हमने पहली बार इसे एक प्लेन को अपनी हीट विजन से गिराते हुए देखा, तब जाकर सचमुच इस कैरेक्टर से डर लगने लगा, और समझ में आ गया कि सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की तरह सैक्रिफाइस करने वाला नहीं, बट अपने फायदे के लिए लोगों से सैक्रिफाइस कराने वाला है, जहां पर ये अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कम और उन पर धौंस जमाने और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए करता है, जहां पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ साथ सुपर पावर बीइंग्स भी इससे डरते हैं। सीधी सी बात है, ये एक पूरा साइकोपैथ है जिसके पास भगवान की ताकत है, और अब इस साइकोपैथ का एक बेटा भी है। अब देखते हैं कि सीजन 2 में इस कैरेक्टर के साथ और क्या क्या होने वाला है। सो गाइस, ये थे टॉप 10 द बॉयज सुपर हीरोज वर्सेस देयर मार्वल एंड डीसी काउंटरपार्ट्स। जितना मजा हमें सीजन 1 में आया था, उससे कहीं ज्यादा मजा हमें सीजन 2 में आने वाला है। बाय द वे, इस वीडियो में बताई गई इन सुपर हीरोज के प्रति मेरी राय खुद की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, तो एक बार हमें वहां पर भी जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।